पास आए है। और हम लोगों को भी निमंत्रण दिया था कि अनशन पे बैठ रहा है, और हम लोगों ने पहले साफ तौर पे उनको समर्थन देने का काम किया। और आप लोग सब जानते हैं कि विधानसभा सत्र भी चल रहा था और झारखंड का चुनाव भी था, पहले से मेरा तय प्रोग्राम था, उस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए अनशन में। लेकिन हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू जा करके उनको समर्थन किया, उससे पहले भी रामचंद्र पूर्वे जी और तनवीर हसन साहब भी अनशन स्थल पे गए। कल रात में ही हम लौटे, आज देखा हमने सूचना मिली कि उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत बिगड़ी है और उनको ज़बरदस्ती जो है पीएमसीएच लाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। और हम लोग जानते हैं कि केंद्र विद्यालय अगर की मांग है और सब कुछ लोग तैयार हैं जमीन लेने के लिए, तो इसमें कठिनाई किस बात की है? इसमें तो हित बिहार के लोगों का होगा और छात्र छात्राओं का होगा, तो ये कोई ऐसी मांग तो है नहीं जो कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो एक केवल केवल आप देख सकते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अपने बेनिफिट को देखते हुए जानबूझकर एक भावना के जरिए नीतीश कुमार जो है ये काम नहीं होने दे रहे। अब यहाँ के शिक्षा मंत्री कुछ भी कहते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो या कोई और मंत्री हो, उन बेचारों का तो खाली बोर्ड लगाने का काम है। केवल मंत्री केवल घर के बाहर आवास में मंत्री और गाड़ी में बोर्ड लगाने का अधिकार तो है ही नहीं उनको मंत्री का, वो तो सारा कंट्रोल नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं। मंत्रियों की चलती कहाँ है? और आप देखिएगा नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है, हर तरीके से जो है नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से बाहर हो गया। हर मुख्यमंत्री को चिंता शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौजवान किसान मजदूर सूखा बाढ़ इन सब ऊपर नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है कि बिहार को विशेष पैकेज मिले कि ना मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले कि मिले नहीं, उनको चिंता केवल इसी बात की कि उनकी कुर्सी जो है किसी प्रकार से बची रहे और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। तो जो तिकड़मबाजी जो हो रही है, अब साध्वी प्रज्ञा जो है, अब क्या बोलिए तो, अब कुख्यात जो हमारे चाचा का अंतरात्मा है मुख्यमंत्री जी का कुख्यात अंतरात्मा, अब उनको उपेंद्र एहसास मिला होगा। उपेंद्र कुशवाहा के जो मुद्दे हैं, क्या आपकी पार्टी भी उनको लेकर कोई आंदोलन चलाएगी क्या? नहीं, हम लोग तो समर्थन में है, सब लोग हम लोग महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और हम लोग सब लोगों का ये है मान समर्थन है। अच्छा, इसमें कौन सा गलत बात है? एक स्कूल बनाने की बात की जा रही है, केंद्र विद्यालय देने की बात की जा रही है, जमीन उपलब्ध है, सब कुछ पहले से भी दिया जा चुका है, सैंक्शन हो चुका है, बाद में जो भी ये कानूनी पेच क्या लगाए ना लगाए, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? आप बताइए, हम आप लोगों से पूछते हैं या बिहार के किसी अधिकारी किसी मंत्री किसी लोगों से अगर पूछते हैं, अगर बिहार में केंद्र विद्यालय और बनेंगे तो इससे नुकसान क्यों किसको है भाई, तकलीफ किसको हो रहा है, फायदा ही फायदा है। तो इस प्रकार जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा नकारात्मक राजनीति के बदलाव थोड़ा सकारात्मक नजरिया मुख्यमंत्री को रखना चाहिए और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए।